जी, लास्ट क्लास में जो है ना, हमने मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स तक का जो काम था वो कर लिया था। आज की क्लास में जो है ना, हम फाइल इनपुट को ज़रा देखते हैं कि फाइल इनपुट का क्या चक्कर है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से जो है ना, फॉर्म बना हुआ होता है, जैसा कि हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि एक जी एक फॉर्म का टैग ओपन होता है, एक फॉर्म का टैग क्लोज होता है, और उसके अंदर इनपुट लिखा हुआ है और उसकी टाइप इन्होंने मेंशन की हुई है कि जी फाइल है ये टाइप ना, और साथ में कि इनपुट टाइप सबमिट जब करते हैं तो सबमिट में एक बटन टाइप की चीज़ बनी हुई आ जाती है। हमें इसकी जगह बटन भी लगा सकते हैं, अभी हम वो देखते हैं। तो आप अगर फाइल इसका कर देंगे टाइप तो ये फाइल इनपुट बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, फाइल इनपुट जब बना हुआ आता है, हमने गालबन यहाँ पे लास्ट क्लास का ये वाला कोड है हमारा, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। अच्छा, इसमें फाइल इनपुट लगा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड के लास्ट में जाके, सही है, हमने बहुत बड़ा सारा जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक बनाया था लास्ट क्लास में। अगर आप ये वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट बनाऊँगा और टाइप उसकी मैं कर दूँगा फाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे लास्ट में, अच्छा इससे पहले मैं एक बी आर लगा देता हूँ ताकि ये अगली लाइन में सही है, मैंने इससे पहले एक बी आर यहाँ पे लगा दिया ताकि ये एक नई लाइन में अपेयर हो, अपने साथ वाले एलिमेंट के लाइन में अपेयर ना हो। अच्छा, फिर नीचे भी मैं कुछ बी आर लगा देता हूँ क्योंकि प्रोजेक्टर में जो है ना, ये काफ़ी नीचे की साइड पे शो हो रहा है, तो आई होप के इस तरह कर देने से ना ये ऊपर आएगा और आपको थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लाने के लिए मैंने इस बटन को, नीचे वो काफ़ी सारे बी आर लगा दिए। अच्छा, तो ये इस तरह से बना हुआ आ जाता है जी कि चूज़ फाइल और नो फाइल चूजन। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे मेरे सिस्टम का जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खोल के दे देता है, और मेरे पास यहाँ पर ये सारी जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद फाइल है वो शो हो जाती है। मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नाम है abc.png, और डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर मैं, तो ये सेलेक्ट हो जाता है, abc.png यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल को ज़ाहिर है इंटरनेट पर अपलोड होगी ये फाइल, ठीक है। तो इसको अपलोड करने के लिए हमें क्या मिलता है, हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी हमने वो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, अभी जस्ट हम इस इनपुट को लगाना सीख रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, इस फाइल का पूरा पाथ मिल जाता है कि जी ये हार्ड ड्राइव में किस जगह पे मौजूद है। फिर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं, उस जगह से उसको उठाते हैं और इंटरनेट पर भेज देते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट अभी इंशाल्लाह हम आगे आएगा तो पढ़ेंगे। अच्छा, साथ में ही हम इसके क्या कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, जैसे कि ऐसे पैराग्राफ लिख के मैंने कहा कि जी सेलेक्ट योर रिज्यूमे मे बी, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट योर रिज्यूमे करके और नीचे सेलेक्ट ऐसे करके फाइल आ गई। अच्छा जी, हम और आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबमिट का जो बटन है, टाइप सबमिट लगानी होती है, दैट्स इट, तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट के बटन के तौर पे बिहेव करने लग जाता है। लेकिन अब जो है ना, एक नई चीज़ इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको हम कहते हैं बटन, ठीक है। और बटन के ऊपर मैं जो भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि सेंड या साइन अप, डिपेंडिंग ऑन के जो भी फॉर्म है, अगर साइन अप फॉर्म है तो लास्ट में साइन अप होगा, अगर कोई फीडबैक दे रहा है बंदा तो ऊपर फीडबैक का टाइटल, बॉडी, एक्स वाई जो भी लिख के फिर लास्ट में सेंड लिखा हुआ हो सकता है, या कंप्लीट योर फीडबैक इस तरह, तो कोई भी इस पर लेबल हो सकता है। और यहाँ पर आके मैं बटन पर अगर टाइप सबमिट ना भी लगाऊं, वैसे टाइप सबमिट लगा देना मुनासिब है, लेकिन अगर मैं इसकी टाइप सबमिट ना भी लगाऊं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश, ये आ गया। अच्छा, ये सेम लाइन पे आ रहा है, इसको बी आर लगा के मैं ज़रा अगली लाइन पे ले जाऊं, ठीक है जी। तो मैंने सेंड लिखा है इसके ऊपर, सेंड लिखा हुआ आएगा, अगर मैं इसके ऊपर साइन अप लिख दूँ तो ये साइन अप लिखा हुआ आने लग जाएगा, ठीक है जी। ये साइन अप का बटन लास्ट में बन के आ गया। अच्छा, इसको फ़िलहाल क्लिक करने से क्या होगा, पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करने से पेज जो है मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा, और आप अगर नोट करें तो ये जो यूआरएल है ना मेरा, इसके अंदर वो तमाम
पैरामीटर्स भी बने हुए आ गए हैं कि कमेंट्स और जॉनरे, सही है, और कंट्रीज़, जो जो हमने फॉर्म के अंदर इनपुट रखा है ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस तरह से फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, हम इस बिहेवियर को बंद कर देते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि इस बिहेवियर को बंद करके हम जो एक दूसरा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं वो कौन सा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबमिट का बटन दबाने से क्या होता है कि जी वो आपने जैसे बुक में देखा होगा ना, यहाँ पे एक्शन करके इन्होंने लगाया हुआ यूआरएल, तो इस यूआरएल पे, इस सर्वर पे ना ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका हम इस क्लास में फॉलो नहीं करेंगे। हम इस क्लास के अंदर एक बेहतर तरीका आ गया है अभी जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम कहते हैं एजैक्स, ठीक है, एजैक्स कहते हैं उसको, या आप कह लें एसिंक रिक्वेस्ट कहते हैं। तो हम वो वाला तरीका फॉलो करेंगे, हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, ये सिर्फ HTML CSS की है, तो ये एज्यूम करके चल रहा है कि सर्वर PHP का होगा ना, ठीक है। अच्छा, PHP में ये वाला तरीका ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हम जो सर्वर बनाएंगे वो हम बनाएंगे Node.js का, तो Node.js के अंदर जो है ना REST API वाला तरीका जो है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो हम REST API वाला करेंगे, ठीक है। और निस्बतन जो है वो REST API जो है वो इससे जदीद है, ये वाला जो तरीका है। अच्छा जी, इमेज बटन जो है उसका क्या चक्कर है, वो होगा सबमिट बटन ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगी, एक इमेज आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनपुट टाइप आपने कर दिया इमेज, और SRC में एक इमेज दे दी, तो वो इमेज बनी हुई आ जाएगी, बट दैट इमेज वुड बी क्लिकेबल, और उसको क्लिक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। अच्छा, किसी बटन को जो है वो हाइड भी किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई मेरा फॉर्म कंट्रोल है, उसको अगर मैं कंडीशनली चाहता हूँ कि जी इसको मैं हाइड कर दूँ या इसको मैं शो कर दूँ, तो वो मैं काम करवा सकता हूँ। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने क्या किया है कि जी एक फॉर्म बनाया, उसमें ये मैंने क्या इनेबल कर दिया। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें एक बटन का टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ये बटन का टैग यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस बटन के टैग के दरमियान में एक टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन एक टेक्स्ट होने के साथ साथ इसमें एक इमेज का भी एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है। तो आखिर में होगा क्या कि जो बटन बना हुआ आएगा उसके पास क्या लिखा हुआ होगा, ये ऐड भी लिखा हुआ होगा, और साथ में वो इमेज भी बनी हुई होगी, इमेज एक प्लस की इमेज है छोटी सी, वो भी साथ में शो हो रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इनपुट बना हुआ है, ठीक है, जिसकी टाइप हिडन इन्होंने लगाई हुई है, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ही हिडन रखा है, लेकिन आम तौर पे क्या होता है, हम इसको कंडीशनली हाइड या शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर एक सर्टन ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम उसके मज़ीद ऑप्शंस खोल देते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जी अगर कोई बंदा ये बोलता है कि जी डू यू लिव इन पाकिस्तान, तो अगर उसको नो सेलेक्ट करता है वो, तो फिर हम एक मज़ीद ऑप्शन खोल देते हैं कि जी आर यू कि आप पाकिस्तानी और बाहर रह रहे हो अब, या पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई सवाल हम मे भी उसको खोल सकें, तो इसको हम कंडीशनली आम तौर पे हाइड या शो करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जी लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल जो हम बना रहे होते हैं उसके साथ ना हम लिखेंगे जी ये फॉर्म कंट्रोल किस चीज़ के लिए बना हुआ है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो हमने लेबलिंग अभी भी की हुई है, हम हर फॉर्म कंट्रोल से पहले एक पैराग्राफ लिख देते हैं कि जी सेलेक्ट योर रिज्यूम है, और यहाँ पे नीचे फाइल इनपुट है, ठीक है। और हम साथ में लिख देते हैं कि जी अगर इस बड़े सारे ड्रॉप डाउन की तरफ अगर मैं देखूँ, तो इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि जी What device do you listen to music on? और नीचे वो, या इस पर बल्कि शायद ये होना चाहिए कि which country do you live in? तो और नीचे वो सारा ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं इधर पेज पर जाता हूँ तो भी मुझे क्या होगा, वो सारा का सारा फॉर्म कंट्रोल अपने अपने लेबल के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, लेकिन ये वाली जो लेबलिंग है ना, दिस इज़ नॉट इनफ।
हमें इसमें एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं लेबल का टैग। ये लेबल का टैग यहाँ से ओपन है, और ये कहाँ पे इन्होंने क्लोज़ किया, ये लास्ट में इधर क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एज लिखा और उसके अंदर इनपुट का पूरा एलिमेंट बना दिया। अच्छा, अब ये लेबल में और सिंपल पैराग्राफ अगर हम लिख देते हैं साथ में, हमें तो दोनों साथ साथ ही दिखेगा, हम भले लेबल लगाएं या हम पैराग्राफ लगाएं, स्क्रीन पे ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये जो लेबल है ये सिमेंटिक एलिमेंट है। ये लेबल जब कोई दूसरी मशीन मेरे वेबसाइट पे आएगी या कोई स्क्रीन रीडर मेरी वेबसाइट को जब रीड करेगा तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि जी ये इनपुट एलिमेंट से पहले जो पैराग्राफ है ये इसका लेबल है या ये वैसी कोई बात लिखी हुई है, उसको नहीं पता ये बात, ठीक है। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं लेकिन हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो एक तरीका लेबल लगाने का ना, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जी वो पूरा का पूरा लेबल के अंदर ही कर दिया फॉर्म इनपुट को, फॉर्म कंट्रोल को। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका आप नोट करें, यहाँ पे इसने यह लिखा है जेंडर, जिसमें कोई लेबल का टैग वगैरह नहीं लगा हुआ। उसके बाद एक लगाया इसने इनपुट एलिमेंट, अच्छा, जिसमें इसने क्या किया है, टाइप रेडियो। तो टाइप रेडियो का मतलब है कि इतना कोड लिखने से एक गोल बटन बनवा जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, एक इसने लेबल लगाया है फीमेल। अच्छा, फीमेल लेबल लगाया है तो ये गोल बटन और उसके बाद फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर एक और इनपुट है जिसकी टाइप रेडियो है, तो एक और गोल बटन और फिर नीचे मेल लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसका रिजल्ट देखें कुछ इस तरह से हो रहा है, जेंडर, मेल और फीमेल, सही है। तो हर फॉर्म, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि ये जेंडर जो है ना, दिस इज़ नॉट अ लेबल, लेबल जो है मेल और फीमेल है जो एक फॉर्म कंट्रोल के साथ लगा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स में शायद ये चीज़ इतने अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि जी नेम और उसके आगे खाली खाना जो है, तो नेम इज़ द लेबल, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड इनपुट करने के लिए कह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ पासवर्ड और उसके साथ फॉर्म कंट्रोल लगाता हूँ आगे पासवर्ड इनपुट का, तो ये पासवर्ड इसका लेबल है। लेकिन आप देखें रेडियो बटन में या चेक बॉक्स में आमतौर पे ये जेंडर भी लिखा हुआ है और ये मेल फीमेल भी लिखा हुआ है, तो इसमें से राइटर कह रहा है कि जी ये मेल और फीमेल जो है ना, दिस इज़ द लेबल। अच्छा, अब हमारे इस वाले केस में इन्होंने क्या किया था कि पूरा का पूरा इनपुट उठा के लेबल के दरमियान में रख दिया था, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पा रहा था कि जी अच्छा ये पूरा लेबल के अंदर है, तो यहाँ जो भी टेक्स्ट है वो लेबल है, उसके अलावा फॉर्म कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे आप नोट करें, इसको अलग अलग लिखा गया है, इनपुट अलग है, लेबल अलग है। अच्छा, अलग अलग होने की वजह से इसके दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लिंक हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट करें कि इनपुट को ना इसने एक आईडी दी है फीमेल, ठीक है, और लेबल जब इसने लगाया है ना, तो लेबल लगाते हुए इसने ये बताया है कि ये लेबल किसके लिए है, फॉर फीमेल। तो ये एक्चुअली आईडी पास कर रहा है कि फॉर दिस आईडी। तो हर लेबल के साथ, अगर हम लेबल अलग से लगाते हैं तो हर लेबल के साथ मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये लेबल कौन सी आईडी के लिए है। इसी तरीके से ये नीचे जो लेबल लगा हुआ है आप देखें, इसमें फॉर मेल यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा, तो अब हम भी क्या करेंगे, हम अपने फॉर्म में आके तमाम के तमाम जो लेबल्स हैं ना, उनको इस तरह से हम चेंज कर देंगे। लेबल जो है वो सिमेंटिक एलिमेंट है, वो स्क्रीन पे एक जैसा ही दिखेगा आपको, लेकिन जब कोई मशीन आएगी, जब कोई स्क्रीन रीडर आएगा, जब कोई क्रॉलर आएगा, जो सर्च इंजन, जो गूगल का जो क्रॉलर है, जो क्रॉलर क्या होता है, तमाम दुनिया की वेबसाइट पे वो घूमता रहता है और तमाम वेबसाइट को उठा उठा के उसकी इंडेक्सिंग करता है कि जी कौन से वेबसाइट में क्या बात लिखी हुई है, और जब हम गूगल सर्च पर लिखते हैं तो वो आ जाता है। तो वो ज़ाहिर है, जब शुरू शुरू में बने थे सर्च इंजन और क्रॉलर बने थे, तो वो तो सीधा सीधा टाइटल देखता था वेबसाइट का और टाइटल से उसको सर्च करता था। लेकिन अब बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं ये, तो अब ये वो क्या देखता है, वो सिमेंटिक डिटेल देखता है कि वेबसाइट में बात क्या हुई भी है। तो उसके लिए ना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप कह लें कि अगर इन चीज़ों को सही तरह फॉलो किया हो ना, तो 20-30% जो काम है ना SEO का जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, ये एक अलग शोभा है। आमतौर पर वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो आपको उसकी SEO करनी पड़ती है, एट सम पॉइंट आपको करनी पड़ती है उसकी SEO। SEO क्या चीज़ होती है कि जी वो सर्च इंजन के ऊपर ना वो थोड़ा ऊपर आ जाए,
या सर्च इंजन के ऊपर जब मैं कोई सर्टेन कीवर्ड लिखूँ ना तो वो आए वेबसाइट, ऐसा ना हो कि वो कहीं बहुत ही नीचे आ रही हो, या मतलब हॉस्पिटल की वेबसाइट है और मैं लिखता हूँ ग्रोसरी लिखता हूँ तो वो आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ना हमें SEO करना होता है कि जी सम टाइम होता है गूगल उसको मिसअंडरस्टूड कर जाता है अंदर। ऐसी मिसाल के तौर पर अब कोई OLX जैसी वेबसाइट है, अब OLX जैसी वेबसाइट के अंदर जो है वो तो कोई भी सब्ज़ी का भी ऐड लगा हुआ है उसमें, मोटरसाइकिल का भी लगा हुआ है। अब गूगल उसको क्या बोले, मोटरसाइकिल पे उसको दिखा दे गूगल या ना दिखाए, तो वो ये सारी चीज़ें। और फिर सर्च इंजन में क्या होता है कि जी वो सर्च पे टॉप पे भी आए, ये लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है यार हमारी वेबसाइट ना मोटरसाइकिल लिखे तो टॉप पे आ जाए, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग शोभा है। तो वेल, तो अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करें, वो यही करते हैं सारे सर्च इंजन वाले मोस्टली, वो यही चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इससे 20-30% जो सर्च इंजन का काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये सिमेंटिक है जो हमने शुरू में पहला जो चैप्टर पढ़ा था, पहला तो नहीं शायद दूसरा या तीसरा है वो, उसमें ये जिक्र हुआ था कि एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं या स्ट्रक्चरल मार्कअप्स होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स वगैरह। और एक होते हैं सिमेंटिक, सिमेंटिक जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग, एम्फसाइज, और ये हम अभी अब वक्तन फवक्तन हम कोई ना कोई सिमेंटिक नज़र पड़ती रहती है हमारी। अच्छा, तो अब इसमें होना क्या चाहिए, जो मैंने अभी ये फाइल इनपुट लगाया है लास्ट में, फाइल इनपुट में असल में ये होना चाहिए कि पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, सही है, ये होना चाहिए लेबल। और लेबल के साथ मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर, सही है, मैंने कहा रिज्यूमे फाइल इनपुट, ये मैंने ना इसको एक आईडी पास कर दी। अच्छा, आईडी में शॉर्ट सी भी पास कर सकता था लेकिन मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग आईडी दे दी है। अब ये क्या चीज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड कैमल केस, इसको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल बना रहे होंगे, ठीक है जी। तो मैंने इसको लेबल बनाते हुए मैंने कहा कि फॉर रिज्यूमे फाइल इनपुट ये लेबल है, और इस इनपुट के ऊपर आके मैंने ये जो है ना आईडी पास कर दी कि जी ये आपका नाम है। तो ये ना जो सिमेंटिक हमारी डिटेल थी वो पूरी हो गई। अच्छा, फाइल इनपुट के अंदर ना कुछ मज़ीद भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था MDN पे कि जी वहाँ जाके आप देख लिया करें कि कौन कौन से इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें एक एक्सेप्ट करके एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करके आप लगा देते हैं कि जी मुझे जो है क्या चाहिए। अब ये सजेशन में नहीं दे रहा, मैं अलग से खोल लेता हूँ इसको, MDN फाइल इनपुट, ठीक है, एक्सेप्ट करके हम उसको बताते हैं कि जी ये कौन कौन सी तरह के फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। समटाइम आपने देखा होगा जब हम ब्राउज करते हैं तो सिर्फ इमेजेस ही आ रही होती हैं, वीडियोस नहीं आ रही होती, समटाइम हम देखते हैं सिर्फ PDF फाइल्स आ रही होती हैं, तो वो किस तरह कर रहे होते हैं ये। अच्छा जी, वो देखें, ये इस तरह करके कर रहे होते हैं कि जी .doc, .docx, .xml, ठीक है। तो इस तरह करके ना जो भी फाइल के एक्सटेंशन हैं वो आप यहाँ पे बता देते हैं, तो फिर ये क्या करता है उन्हीं फाइल्स को शो करता है जब फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, बाकी फाइलों को ये शो नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्ट गिरा, अच्छा इन्होंने यहाँ पे वो वाली एग्जांपल नहीं बताई, लेकिन सेलेक्ट के अंदर ना माइम टाइप, ये जो एक्सेप्ट है इसके अंदर हम माइम टाइप भी शो कर सकते हैं। माइम टाइप ये होता है कि जी इमेज स्लैश स्टैरिक, कि जी वो किसी भी तरह की इमेज हो आप उठा लो, क्योंकि भाई अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया JPG और PNG, अब कल को वो इमेज का कोई नया फॉर्मेट आ जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा। तो वो एक माइम टाइप एक चीज़ होती है, वो मैं अलग से सर्च कर लेता हूँ कि जी माइम टाइप क्या होता है, माइम टाइप इमेज, ठीक है, ये इसमें लिखा है ना इमेज स्लैश BMP, इमेज स्लैश JPG, तो हम इसमें लिख सकते हैं इमेज स्लैश स्टैरिक। तो ये मैं ज़रा लगा के देख लेते हैं यहाँ पे कि इमेज स्लैश स्टैरिक, तो किसी भी तरह की इमेज, ठीक है, इसी तरह वीडियो स्लैश स्टैरिक भी हो सकता है, इसी तरह डॉक्यूमेंट स्लैश स्टैरिक भी हो सकता है। तो वो माइम टाइप की पूरी एक लिस्ट है, वो लिस्ट भी हम कोशिश करते हैं अभी अगर वो मिल जाए हमें नज़र आ जाए तो, ठीक है जी। मैंने ये चूज़ फाइल का बटन दबाया तो यहाँ पे आप नोट करें कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप की जो चीज़ थी ना वो ब्लर हुआ हुआ है और इट इज़ नॉट सेलेक्टेबल,
डॉक्यूमेंट टाइप की जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह JPG, PNG ये अवेलेबल है। उसके अलावा एक DMG फॉर्मेट है मेरे पास, जो कि DMG फॉर्मेट क्या होता है कि एप्लीकेशन होती है, इंस्टॉलेबल एप्लीकेशन होती है इसमें, ठीक है। विंडोज़ के अंदर XZ होती है, मैक में वो DMG होती है। तो आप देखें वो भी सेलेक्टेबल नहीं है, PNG इमेज सेलेक्टेबल है, ठीक है। इसी तरह आप देखते जाए, ये टॉरेंट टाइप की फ़ाइल है और SQL फाइल है, ये सारे ये कोई भी सेलेक्टेबल नहीं है, सिर्फ इमेज टाइप की फ़ाइल इसमें सेलेक्ट हो पा रही है। लेकिन ये चीज़ जो है जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस है, राइट। ये जो हम माइम टाइप लगाते हैं कि जी ये फला फला टाइप की फ़ाइल ही आप सेलेक्ट करो, कोई और फाइल आप सेलेक्ट ना करो, दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखें आप यहाँ पे जाएंगे ना शो मोर, ये विंडोज़ में भी आ रहा होता है, ये इसमें भी आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें शो मोर पे गए ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट ये बता रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ इमेज फाइल्स, इसको मैंने ऑल फाइल पे जैसे ही किया ना, तो आप देखें सब इनेबल हो गए। अब मैं इसमें SQL टाइप की फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो एक्सेप्ट का जो एट्रीब्यूट है ना, दिस इज़ रेदर फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, कि जी वो कोई क्लिक करे ना तो ऑटोमेटिकली अब वो सारी फाइलें उसके सामने आ रही होती हैं, तो जो फाइल उसके मतलब की नहीं है या जो फाइल यूज़र इज़ नॉट सपोज टू सेलेक्ट द फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेबल ना हो, ऑटोमेटिकली वो डिम हो जाए। तो दिस इज़ रेदर फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, तो इसको सिक्योरिटी फीचर कोई भी ना समझे। अच्छा, इसी तरह मैं अगर वीडियो स्लैश स्टैटिक लगा दूंगा तो ये क्या होगा, ये सिर्फ वीडियो की फाइल जो है ना वो इनेबल करेगा। देखें आप फोटो भी अभी डिसेबल हो गई है, सही है। अब इसमें क्योंकि वीडियो कोई है नहीं तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रही है। वीडियो मेरे पास में भी हाँ ये आ गई ना, MP4 वीडियो, ये सेलेक्टेबल है। वेल, तो हम ज़रा माइम टाइप की ना एक लिस्ट हम देख लेते हैं कि जी माइम टाइप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है जी। माइम टाइप में ना ऑडियो स्लैश करके हो सकता है, ऑडियो स्लैश स्टैरिक का मतलब है सारी ऑडियो, ऑडियो स्लैश AAC का मतलब है कि AAC वाली ऑडियो, या मोस्ट कॉमनली तो MP3 हम देखते हैं, लेकिन AAC इज़ अ फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, ठीक है। एप्लीकेशन स्लैश स्टैरिक हो सकता है इसमें, ठीक है। इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है ना, .txt, या जैसे CSS की जो फाइल है हमारी वो भी एक्चुअली टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। टेक्स्ट की जितनी भी इसमें वेरिएशंस हैं, तो ये माइम टाइप में ना ये तमाम चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये काफ़ी लंबी एक लिस्ट है। अब इमेज के साथ आप देखें, इमेज स्लैश JPG, इमेज स्लैश TIFF, फॉन्ट की भी फाइल होती है। अभी हमने फॉन्ट डाउनलोड करना नहीं सीखा, वो हम इंशाल्लाह CSS में सीखेंगे कि जी वो हमें कोई जो अवेलेबल फॉन्ट है उसके अलावा कोई फॉन्ट चाहिए हो तो वो इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं, तो उसकी फ़ाइल होती है .ttf करके उसकी फ़ाइल होती है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या लिखा था गूगल पे जाके, मैंने यहाँ पे लिखा था माइम टाइप लिस्ट, तो मुझे ये इस तरफ ऐसे करके ना ये माइम टाइप की पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई थी, ठीक है। तो कभी भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी लिखेंगे ये लिस्ट आपके सामने होगी। हाँ, एक से ज़्यादा माइम हम यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने असल में यही करके दिखाया है। ये ना देखें, एक माइम टाइप इसने ये लगाई है इतनी, इतने पे, उसके बाद देखें कॉमा डाल के इसने एक दूसरी माइम टाइप लगा दी है, कॉमा सेपरेटेड इसने देखें 3-4 लगा दिए जी। नहीं, उसमें माइम टाइप नहीं, वो माइम टाइप से नहीं होगा, वो तो जो इनपुट है ना उसके अंदर टाइप अगर मैं कर दूँ नंबर, तो वो नंबर ही टाइप होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हमने ये शुरू वाली चीज़ पढ़ी थी ना, ये टेक्स्ट इनपुट जब हमने पढ़ा था, जो पहला इनपुट जो पहला फॉर्म कंट्रोल हमने पढ़ा था, तो उसमें जी ये टाइप टेक्स्ट है, इसको मैं टाइप नंबर कर दूंगा तो ये नंबर के अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल ये भी सिक्योरिटी फीचर है, अगर मैं यहाँ पर टाइप लगा देता हूँ ना टेक्स्ट, और ये भी यूज़र एक्सपीरियंस वाला फ़ीचर है, ये भी सिक्योरिटी फ़ीचर नहीं है, क्योंकि HTML में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो तमाम की तमाम पब्लिक होती है, सही है, और उसको चेंज किया जा सकता है। ये हमेशा याद रखें, HTML के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, इसको चेंज किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एडिशनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मैं
इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके ना, ये किसी और की वेबसाइट है, मैंने नहीं बनाई ये वेबसाइट, ठीक है ना, मुझसे कोई लेना देना है इस वेबसाइट पे। अब मैं क्या करता हूँ कि जी ये वाला मैंने टूल पकड़ा, और इस टूल को पकड़ के मैं ये एडिशनल एट्रीब्यूट जो है हेडिंग, इस पर मैंने ला के क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे इसने मुझे ये एलिमेंट शो कर दिया कि जी ये यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है। इसको मैं खोलता हूँ, यहाँ पे ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। अब ये एडिशनल एट्रीब्यूट पे डबल क्लिक करके ना, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके एंटर करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास ठीक है, ये मैंने अपना YouTube खोल लिया। अच्छा यहाँ पे मुझे आप देखें ये ना सब्सक्राइबर्स शो कर रहा है 1600। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा इसको, कुछ भी सेट कुछ भी कर दूँगा मैं, चेंज हो जाएगा ये। तो पॉइंट मेरा कहने का ये था कि HTML के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो क्या होती है, वो चेंजेबल होती है। वो तो मैंने यहाँ पे जो है ना कुछ एक लंबा चौड़ा सा एक नंबर लिख दिया तो ये हो गया। अच्छा लेकिन ये वक्ती तौर पर होगा, जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये दोबारा से जो इंटरनेट से जो आएगा वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे अब किसी फॉर्म में चलते हैं हम, यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह तो ऐसा नहीं बना हुआ, लेकिन अब किसी भी फॉर्म में अगर मैं राइट क्लिक करके उस फॉर्म पर जाऊँगा, जैसे कि अगर मैं किस में चला जाऊँ कोई ऐसी अभी मुझे फ़िलहाल जगह समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे मैं जा सकूँ फॉर्म के लिए। ये चलो ऐसे ही फॉर्म एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, W3 स्कूल पे फॉर्म की एक एग्जांपल खोल दी मैं। तो जी अब यहाँ पे जो है ना ये हम अपने वाले पे करते हैं ना, अपनी वेबसाइट पे करते हैं, ये हमारी वेबसाइट है ना, ये हमने बनाई है, इस पे करते हैं। अब ये यूज़र नेम जो है इस पे, ये टेक्स्ट टाइप का इनपुट है अभी, और इसमें हमने लिमिट लगाई हुई है। हमने लिमिट इसमें क्या लगाई हुई है कि जी 5 कैरेक्टर से ज़्यादा ना लिख सके, ये हमने लिमिट लगाई थी लास्ट क्लास में लगाई थी अगर आपको याद हो तो। इसको इंस्पेक्ट करूँगा मैं तो ये चीज़ मुझे नज़र भी आ जाएगी, ठीक है। इसकी इंस्पेक्शन मैं करता हूँ जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ये मुझे चीज़ नज़र आ जाएगी कि जी मैक्स लेंथ 5 है इसकी। अब इस मैक्स लेंथ 5 को हटा के ना मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको 15 कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा, ये हो गया। सही है, तो इस तरह किसी भी फॉर्म में, या मिसाल के तौर पे अभी इसका जो टाइप है वो है टेक्स्ट, इसको मैं जाके चेंज कर दूंगा ना, अगर यहाँ पे कर दूंगा मैं पासवर्ड तो ये हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब है किसी में अगर टाइप पासवर्ड हुआ है तो उसमें भी जाके भी मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप इसको टेक्स्ट कर दूंगा तो वो टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, यानी पासवर्ड शो कर देगा वो, ठीक है। तो एच टी है सबमिट तो ही होगा, यानी अगर पासवर्ड दिख भी रहा है तो वो सबमिट फिर भी होगा। क्यों, वो इसलिए कि ये HTML के अंदर जो टाइप पासवर्ड की वजह से वो जो छुपा देता है पासवर्ड को, दैट इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस फीचर। ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है कि जी वो पासवर्ड कभी नज़र ही नहीं आ सकता। वो क्यों है जी कि जी अच्छा मैंने वेबसाइट खोली है तो मेरे साथ अगर कोई बैठा है या CCTV लगा है तो वो ऑटोमेटिकली हिडन हो, लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि वो दिख जाए और मैं जाके उसके अंदर ज़बरदस्ती करता हूँ तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो HTML के अंदर लिखी हुई कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, ठीक है। HTML के अंदर लिखी हुई जो भी चीज़ है वो पब्लिक है और वो ओवरराइड किया जा सकता है उसको, ठीक है। हमारे पास जो सिक्योर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर होता है, ये फ्रंट एंड हमारा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा हम फिर क्या करते हैं इस सूरत में, अब इसका हल भी तो होगा ना, इसका हल ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि यूज़र नेम जी 5 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होगा, मैंने कहा फ्रंट एंड पर, ये बात मैंने कही। अब फ्रंट एंड पर बंदे ने क्या किया, उसको चेंज करके और 15 करके और सबमिट कर दिया उसमें। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है सर्वर पर पहुँचती है, जब सबमिट का बटन क्लिक होता है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की सूरत में, एक डिक्शनरी की फॉर्म में
मेरे पास सर्वर पे पहुंचती है, डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर, किसी यूज़र नेम उसके अगेंस्ट यूज़र नेम, उसके ईमेल उसके अगेंस्ट ईमेल, तो ये डिक्शनरी फॉर्मेट कहलाता है। किसी एक की होगा उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी, तो की वैल्यू या डिक्शनरी फॉर्मेट या जेसन फॉर्मेट या ऑब्जेक्ट, इसके कई सारे नाम हैं इस फॉर्मेट के। तो इस फॉर्मेट में जब मेरे पास ये सर्वर पे पहुंचता है ना, तो मैं एक एक वैल्यू को चेक करता हूँ, जो जो वैलिडेशन मैंने फ्रंट एंड पे लगाई है ना, वो चीज़ें मैं चेक करता हूँ दोबारा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यूज़र नेम के अंदर कहा है कि जी मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो मैं दोनों को सर्वर पे डबल चेक करूँगा। ठीक है, अच्छा, सर्वर के ऊपर जो कोड चल रहा है वो सिक्योर है, उस कोड को कोई देख नहीं सकता है, उसको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है, वो रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन उसने किस क्राइटेरिया पर रिस्पॉन्स किया है ये यूज़र को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ डेवलपर को पता होगा कि उस सर्वर पे उसने लॉजिक जो लगाई है वो क्या लगाई है और किस बिहाफ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फ्रंट एंड पे क्या होता है? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई सर्वर है ना, कोई सर्वर है, वो यूज़र नेम एक्सेप्ट करता है 5 से लेके 15 के दरमियान। अब वो जो वेबसाइट यूज़ करने वाला एक नॉर्मल बंदा है, उसको क्या पता कि ये जी वो सर्वर पे इस तरह के। तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम फ्रंट एंड के फॉर्म पे ना ये मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, इधर लगाने का मतलब क्या है कि उधर एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आपने इसको चेंज किया तो। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने ये गड़बड़ की बेवकूफ़ी में या भूल के या किसी भी तरह, यदि इधर लगा दिया वैलिडेशन और सर्वर पे नहीं लगाया, तो इट मींस कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं रही, वो फ्रंट एंड से मैनिपुलेट करके वो भेजेगा तो वो चला जाएगा डेटाबेस में, और उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने मैक्स लेंथ नहीं लगाई, अगर मैंने बंदे के नाम में मैक्सिमम लेंथ अगर लिमिट नहीं सेट की, तो वो क्या करेगा बंदा, वो पूरा विकिपीडिया का पेज खोल के ना, या आप ये देख रहे हैं ना विकिपीडिया का पेज जो होता है लंबा चौड़ा, ये पूरा विकिपीडिया का पेज, ये तो खैर शॉर्ट्स है, पूरा विकिपीडिया का पेज कॉपी करेगा वो और आपके नेम पे ला के रखेगा और सबमिट कर देगा, और आपके डेटाबेस में ना बोगस डेटा चला जाएगा और डेटाबेस की स्टोरेज बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो इसको ब्रूट फोर्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स, कि जी कोई भी बंदा ना आपकी रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर देता है, वो इतना उसको यूज़ करेगा उसको एग्जॉस्टेड कर देगा। तो अगर उसने सुबह से शाम तक लगा दी दमादम एंट्री, तो रात तक आपका डेटाबेस शायद फुल हो जाए। तो इस वजह से मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ ये चीज़ें हम सर्वर पे भी लगाते हैं, फ्रंट एंड पे भी लगाते हैं। सर्वर पे लगाते हैं हम सिक्योरिटी की वजह से, फ्रंट एंड पे लगाते हैं हम यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने बात की है ग्रुपिंग एलिमेंट्स, कि जी अगर मुझे ना एलिमेंट को आपस में ग्रुप करना हो तो हम क्या करें। अच्छा, ये इसमें अब फॉर्म कंट्रोल वगैरह की बात ना ख़त्म हो गई है, वो कंप्लीट हो गई है, अब ये वही वाले फॉर्म कंट्रोल्स हैं। इन्होंने एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड सेट एंड लेजेंड। अब फील्ड सेट लगाने से क्या होगा कि ये इस पर ना पूरा बॉर्डर सा बना हुआ आ जाता है फॉर्म पर। अच्छा, और लेजेंड लगाने से क्या होगा, ये यहाँ पे ये बात लिखी भी आती है। ठीक है, अच्छा, ये इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता है ये वाला फॉर्मेट जो ये लेजेंड वाला, लेकिन स्टिल ये टैग मौजूद है और इसकी स्टाइलिंग को चेंज भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्होंने ये बॉर्डर बना के दे दिया तो आपने भी बॉर्डर लगाना है। ठीक है, बट ये कहाँ पर यूज़फुल रहता है, ये वहाँ पर यूज़फुल रहता है जहाँ पर आपके फॉर्म के मल्टीपल पार्ट्स हैं, आपका फॉर्म बड़ा है, बड़े फॉर्म में ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अच्छा, अब ये आपको नज़र क्यों नहीं आता इंटरनेट पे आम तौर पे, क्योंकि बड़े फॉर्म का ना रिवाज ख़त्म हो गया है। आम तौर पे फॉर्म में 2 या 3 फील्ड से ज़्यादा नहीं रखते हो। ठीक है, अच्छा, अगर वो ज़्यादा मालूमात लेनी है तो वो क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ मौक़ों पर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी फाइनेंशियल साइट पर भी अगर साइन अप करते हैं तो वो आपसे ना 2-4 चीज़ें पूछेगा, आपको बोलेगा ठीक है जी हो गया। ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र वाइज है, जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस तो बल्कि अभी बैन भी कर दिया, तो इस तरह की जो फाइनेंशियल साइट्स हैं इनको अच्छा खासा डेटा आपसे चाहिए होता है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वो अब ट्रांसफ़र वाइज वाले क्या करते हैं कि जी 2-3 बात पूछते हैं आपसे, कहते हैं जी लॉग इन विद गूगल करो और आप हो गया, ओके हो गया, तो कुछ नहीं करना आप, तो आप इन हो गए। अच्छा, आप इन हो गए, अब वो क्या करेगा, वक्तन फ़वक्तन आपसे, यानी जब आपकी पहली ट्रांजेक्शन आती है तो फिर वो कहता है जी अपना डॉक्यूमेंट भेजो आप हमें, तो वो फिर एक फॉर्म खोल देता है कि जी NIC का फ्रंट, NIC का बैक, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं एक वक्त में। अच्छा, वो आपने सबमिट कर दिया, फिर वो कहता है जी हाँ जी अप्रूव हो गया ये आपका। अच्छा, अब जब उसको आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि जी वो आपका फेस भी वेरीफाई करेंगे,
तो वो कहता है फिर आप ना NIC को यूँ पकड़ो और ऐसे सेल्फी लो आप उसके साथ और फिर आप हमें भेजो। या जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस में वो कैमरा खोलता है, वो कहता है यार ऐसे ऐसे करो आप मुँह अपना, ताकि हर तरफ से वीडियो बन जाए ना चेहरे की। और फिर उन्होंने पीछे कोई AI लगाई हुई है जो आपके एक्चुअल फेस से उसको मैच करता है, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं उसको। इवन आप गूगल का भी साइन अप फॉर्म देखें, आप 3-4 बातें पूछता है वो, ज़्यादा बातें नहीं पूछता, ज़रूरत पड़ती है बाद में पूछता है। तो इस वजह से ये लंबे लंबे जो फॉर्म थे ना, उसका रिवाज इंटरनेट पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि भाई लंबे फॉर्म कोई भी फिल नहीं करना चाहता। लंबे फॉर्म देख के बंदा फिर भाग जाता है, बाउंस हो जाता है, बंदा कहता है यार ये इतना लंबा है छोड़ो बाद में करूँगा रात को करूँगा, तो इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा करते हैं फॉर्म। अच्छा अब क्योंकि फॉर्म छोटे हो गए तो ये फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती छोटे फॉर्म्स में। अच्छा जी, फॉर्म वैलिडेशन। अच्छा फॉर्म वैलिडेशन जो बात हो रही है ना, ये वही वाली बात हो रही है जो हमने वो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ जो हमने लगाया था, वो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म वैलिडेशन। अच्छा फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है कि जी जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो तो फॉर्म में जो डेटा है वो वैलिड हो, ठीक है। अच्छा तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी जो यूज़र नेम है ना, इसको लिखे बगैर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ लिखूँगा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है HTML5 में। अच्छा लेकिन आप जस्ट अगर रिक्वायर्ड भी लिख दें तो भी इनफ है, ठीक है, तो भी ये सेम काम करेगा तमाम ब्राउज़र्स पे। अच्छा अब इसको रिक्वायर्ड जो है ये फॉर्म वैलिडेशन है, मैक्स लेंथ ये भी फॉर्म वैलिडेशन है, ठीक है, और भी कई सारी फॉर्म वैलिडेशन है जो अभी वो बताएगा एक एक करके। अब ये रिक्वायर्ड लिखने के बाद क्या होगा, मैं जाता हूँ जी वापस इस पेज पर और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जब तक मैं इस फॉर्म इस यूज़र नेम की जगह पे कोई बात नहीं लिख दूँ ना, ये मुझे सबमिट नहीं करने देगा, ये कहेगा यार फिल दिस फील्ड। अच्छा जैसे ही मैं कुछ लिख दूँगा और फिर सबमिट करूँगा तो फिर ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एक तो हो गया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड पे, किसी भी रेडियो बटन पे, किसी भी चेकबॉक्स पे आप रिक्वायर्ड लगा सकते हैं कि जी ये वाला फिल करना ज़रूरी है। अब कोई साइन अप कर रहा है और ईमेल और पासवर्ड ये दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है, साइन अप करते हुए ईमेल देना ज़रूरी है और पासवर्ड भी देना ज़रूरी है, अदरवाइज साइन अप का मकसद ही फौत हो जाएगा। कोई बंदा एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा है तो उसमें नाम होना ज़रूरी है, नाम ही नहीं होगा तो एडमिशन फिर किसका हो रहा है, तो मकसद फौत हो जाएगा। तो इस तरह की फील्ड्स पे रिक्वायर्ड लगाना ज़रूरी होता है। स्टेरिक बना के शो भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेरिक बाई डिफ़ॉल्ट खुद से बना हुआ नहीं आता, वो अगर चाहें तो शो करा देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो फॉर यूज़र एक्सपीरियंस कि जी वो एक ग्लिम्स में ही उसको देख के पता चल जाए कि अच्छा जी ये लिखना है और ये नहीं लिखूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। उसका एक तरीका ये होता है कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें तमाम फील्ड रिक्वायर्ड होती हैं, कोई एक ऑप्शनल होता है, तो उसमें फिर वो बजाय स्टैरिक लगाने के ना वो उस पर लिख देते हैं कि जी दिस इज़ ऑप्शनल, तो ऐसे भी कर लेते हैं। तो डिफरेंट इसके तरीके हैं इसको हैंडल करने के कि जी यूज़र को ना किसी तरह अच्छा फील कराया जाए। अच्छा जी तो ये रिक्वायर्ड हमने लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा एक चीज़ और भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि जी हमारा जो ये जितने भी वैलिडेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये काम करेंगे फॉर्म के टैग के दरमियान में। अगर आपने ये किया कि जी ये फॉर्म का टैग नहीं लगाया और डायरेक्ट आपने इनपुट लिख दिया तो ये सारे फंक्शन कोई भी काम नहीं करेंगे। ये फॉर्म का टैग होगा ऊपर और फॉर्म का टैग होगा नीचे क्लोज, और दरमियान में ये बातें जब लिखेंगे तो ये काम करेगी। अगर मैं यहाँ से फॉर्म का टैग हटा दूँ ना ये वाला, तो ये रिक्वायर्ड जो है मेरा ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, रिक्वायर्ड भी काम नहीं कर रहा, सबमिट भी काम नहीं कर रहा, तो ये सबमिशन ये फॉर्म के अंदर ही ये फीचर सारे काम करेंगे। अच्छा जी डेट इनपुट हम देख चुके हैं, डेट इनपुट क्या देता है हमें, डेट स्ट्रिंग देता है एज अ वैल्यू, ठीक है, इस तरह का स्क्रीन पे दिख रहा होता है ये। ईमेल एंड यूआरएल इनपुट, इसकी टाइप चेंज हो रही है, बस टाइप ईमेल कर देंगे तो ईमेल हो जाएगा। अच्छा टाइप ईमेल करने से होगा क्या, देखें टाइप ईमेल है, मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब ईमेल में क्या होता है कि जी ये जब तक आपका ना वैलिड ईमेल नहीं होता, अच्छा वैलिड ईमेल का मतलब है कि एक ईमेल का एक खास फॉर्मेट होता है, किसी बीच में @ आना ज़रूरी है, फिर लास्ट में .com आना ज़रूरी है, तो ये उसको देखता है। अब मैंने यहाँ पे कोई बात लिखी, ऊपर भी चलो लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
अब ये ऊपर वाली बात तो सही है, इसमें लिखा हुआ था जस्ट रिक्वायर्ड, तो कुछ ना कुछ है तो दैट्स इट। लेकिन ईमेल में ना ये रिक्वायर्ड भी है, ठीक है, रिक्वायर्ड तो इसमें मैंने लगाया है, रिक्वायर्ड इज़ अनदर थिंग बाय द वे, ठीक है, रिक्वायर्ड मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो अगर तो मैं इसको खाली छोड़ता हूँ जब तो ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन गलत डाल के सबमिट नहीं कर सकता मैं, ठीक है, गलत इसमें ईमेल एंटर नहीं कर सकता मैं। तो अब ये मैंने इसको जो है ना क्या किया, गलत इसके अंदर एक ईमेल डाली है जो वैलिड फॉर्मेट नहीं है ईमेल का। तो इसने क्या बोला कि जी प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक अदद एट द रेट लगा दूँगा, और अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो एक ऐट द रेट बीच में आना ज़रूरी है, दैट्स। अच्छा, साथ में अगर मैं इसको रिक्वायर्ड भी लगा दूँगा तो फिर इसको मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, लिखना भी है और लिखना भी वैलिड है जी। वो भी हमने वो हिडन वाला देखा था ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वो जो हिडन होगा वो बॉक्स, मिसाल के तौर पे कमेंट बॉक्स होगा किसी अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करें आप, तो वो जब तक नो पे बाय डिफ़ॉल्ट नो पे सेलेक्टेड होगा और वो बॉक्स हिडन होगा, जैसे ही यस करेगा वो बॉक्स विजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से कुछ करके ही अचीव हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है इसके लिए। फ़ोन का जो इनपुट है ना वो हम देख लेते हैं, जो फ़ोन नंबर इनपुट है एक मिनट यार, फ़ोन नंबर इनपुट कैसे होता था, टेल है, टाइप टेल है इसका, सही है, टाइप टेलीफोन। तो जब आप यहाँ पे टेलीफोन का इनपुट लेते हैं ना, अच्छा इसमें ये मैक्स लेंथ लगी हुई है ना, तो टेलीफोन इनपुट के अंदर ना आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है डैशेज ऐड करने का। तो एक तो वो तरीका है, टेलीफोन इनपुट आपको फिर करना पड़ेगा, उसमें वो डैशेज आने लग जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जी आप ना मिसाल के तौर पे इसको मैं CNIC में कन्वर्ट कर देता हूँ, इनपुट है, एक इनपुट रिक्वायर्ड है, इसकी टाइप में टेक्स्ट कर देता हूँ, जो पहला जो होता है वो मेरे ख्याल है 5 डिजिट का होता है पहला पार्ट NIC का, तो उसको मैंने कहा साइज़ 5, ठीक है, साइज़ 5 कर दिया, और प्लेस होल्डर इसमें कुछ नहीं रखते हम फिलहाल। उसके बाद मैंने यहाँ डैश लगाया, और यहाँ डैश लगा के इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, सही है। तो अब आप नोट करेंगे कि क्या होगा, कुछ इस तरह का बना हुआ आ जाएगा। तो ये तीन अलग अलग इनपुट बॉक्सेस हैं, तो ये इसको इजी तरीका है बनाने का, इसमें हमें वो नहीं करना पड़ता। अब एक दरमियान वाला शायद 7 डिजिट का होता है, तो इसको मैं जाके 7 कर देता हूँ दरमियान वाले को, और लास्ट वाला जो शायद वो 1 डिजिट का होता है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास दिख जाएगा ये। और तीनों में मैं मैक्सिमम मिनिमम की भी लिमिट लगा दूँगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जी मैं जो 16 डिजिट है उसके लिए 16 अलग अलग इनपुट बॉक्स बनाऊँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। तो एक ही काम को करने के ना कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अच्छा जी, फ़ोन नंबर पे जो डैश लगता है ना, ये किसी ने सवाल पूछा है कि जी वो ना डैशेज अगर ऐड करने हो तो वो कैसे होंगे। तो इसने जो है ना जावास्क्रिप्ट का कोई तरीका बताया कि जी इस तरह करके होंगे। वो असल में मैंने टेलीफोन पे मेरा ध्यान इसलिए किया कि अक्सर टेलीफोन इनपुट में ना वैसे खाली होता है बॉक्स, लेकिन लिखना शुरू करो तो फिर बीच में डैश आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो इन्होंने कोई जावास्क्रिप्ट का तरीका बताया हुआ किसी ने कि जी ये इस तरह करके होगा। अच्छा, सब लोगों ने जावास्क्रिप्ट का ही तरीका बताया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि HTML के अंदर वो दरमियान में डैश ऐड करने का तरीका मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह से ऐड कर रहे हैं कि जी यहाँ पे आया ना मैं लिखा मैंने,
तो जब मैंने एक कैरेक्टर दबाया तो उसको गिन रहा है किसी वो कितने हो गए, तो वो जैसे ही 5 पूरे होते हैं तो उसके आगे एक डैश इंक्लूड कर देता है, फिर वो आगे गिनता है, वो जैसे ही फिर 7 और कंप्लीट होते हैं तो फिर एक और डैश इंक्लूड कर देता है, तो वो इस तरह करके कुछ चक्कर चला रहा है, और जैसे ही मैं उसको कम करता हूँ तो वो उसको डैश को हटा भी देता है। तो अभी तो ये इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट जब शुरू करेंगे तो लॉजिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि जी ये लॉजिक कि जी ऐसा है तो ये ऐसा कर दो, इस चीज़ को चेक करो, टेम्परेचर इतना है तो इसको ऑन कर दो, इतना है तो उसको ऑफ कर दो, तो इस तरह की चीज़ें वो जावास्क्रिप्ट सारी है ही इसी तरह की, तो हम उसमें यही चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा जी अगर ऐसा है तो उसमें ये चीज़ कर दो, ऐसा है तो ये चीज़ कर दो। ओके अच्छा जी, टाइप URL में भी यही चक्कर है कि वैलिड URL होना चाहिए, शुरू में HTTP लगा हुआ हो, फिर दरमियान में .com लगा हुआ हो, कहीं उसमें स्लैशेस लगे हुए हों, तो ये URL टाइप का भी इनपुट हम ले सकते हैं। ठीक है, URL टाइप का जो इनपुट है वो इनफैक्ट टेक्स्ट इनपुट ही होता है, ईमेल जो है वो भी टेक्स्ट इनपुट है, यानी जब मुझे मिलेगा वो डेटा तो टेक्स्ट के तौर पर मिलेगा। पासवर्ड का जो इनपुट है वो भी टेक्स्ट इनपुट है, लेकिन ये थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं, एक में जी वो पासवर्ड छुपा देता है, एक में जी वो क्या करता है कि जी वो उसको वैलिडेट करता है थोड़ा, तो ये सारी जो है वो वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये सारे टेक्स्ट इनपुट हैं जी। देखो सारे इनपुट पे ना मैक्सिमम लेंथ लगाना ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाँ, टेक्स्ट इनपुट जितने भी हैं ना, कहीं पे कमेंट लिखने का ऑप्शन बनाया हुआ है, कहीं पे अपने नाम लिखने का ऑप्शन बनाया हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों में मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब कहीं पे लेकिन नंबर की फील्ड है, एज पूछ रहा हूँ मैं उसमें, तो क्या वहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम लगाना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर वो ऐसे वाली लेंथ नहीं है कि जी वो कितने कैरेक्टर होंगे, वो ये होगा कि अच्छी जी मैक्सिमम 100 या मिनिमम जो है वो 20, इस तरह की लिमिट होगी कोई, तो ये लिमिट ज़ाहिर है मुझे वहाँ पे भी लगानी होगी। क्यों कि अगर बंदा गलती से कोई वो लिखना चाह रहा था 12 लेकिन उसने 120 लिख दिया, वो सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस ये हमें करना होता है। अच्छा, सर्वर के ऊपर जो है हम, एक तो ये फ्रंट एंड का हो गया यूज़र एक्सपीरियंस वाला, फ्रंट एंड के ऊपर जो सर्वर के ऊपर हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को लेके ना हमारे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है हम उस चीज़ पे जो है ना लिमिट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सर्वर पे लिमिट लगाते हैं, मिसाल के तौर पे हम इंजेक्शन्स के लिए चेक करते हैं कि जी कोई इंजेक्शन तो नहीं भेज रहा साथ में। इंजेक्शन ये चीज़ होती है कि जी वो जो जाहिर है जो मैंने टेक्स्ट जो मुझे मिला है वो टेक्स्ट मैं किस में रखूँगा, डेटाबेस में रखूँगा, डेटाबेस में रखने के लिए क्वेरी में तैयार करूँगा, अब उस क्वेरी के दरमियान में वो टेक्स्ट होगा, अब उस टेक्स्ट में मैंने अगर कोई दूसरी क्वेरी लिख दी, किसी बंदे ने लिख के डाल दी, तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो वी लुक फॉर इंजेक्शंस एज वेल, तो ना सिर्फ हम सर्वर पे, ना सिर्फ हम मिनिमम मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं बल्कि हम इंजेक्शंस के लिए भी चेक करते हैं। लेकिन अब कहीं पे मेल फीमेल है, तो अब मेल फीमेल तो रेडियो बटन है, एक ही सेलेक्ट होगा उसमें से कोई, तो फ्रंट एंड पे भी हम क्या करते हैं उस पे कोई लिमिट मिनिमम मैक्सिमम होता ही नहीं उसके ऊपर, और बैक एंड पे भी नहीं लगाते। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चेक करते हैं बैक एंड पे कि जी वो इन दोनों वैल्यू में से ही कोई है, ये हम ज़रूर चेक करते हैं, हमें पहले से पता होता है, ई नम उधर एक बना हुआ होता है कि जी इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू आएगी जेंडर के अगेंस्ट, तो हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि उन दोनों में से कोई हो, अगर तीसरी वैल्यू कोई है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, उसको भी रिजेक्ट करते हैं। तो जी ये वैलिडेशन जो है ना इसकी लिमिट नहीं है कोई, ये अनलिमिटेड लेवल तक हम जा सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि हम कर क्या रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास टाइम कितना है, डिपेंडिंग ऑन कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें वो कितना क्रिटिकल है, वो एक तो होता है जी कि वो कोई इंटरटेनमेंट की ऐप होती है, एक होती है कोई मिशन क्रिटिकल कि जी वो जो ऑपरेशन थिएटर में चलेगी वो ऐप, या वो कहीं वो मैदान जंग में कहीं चलेगी, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, हम एक सर्टेन लेवल तक जाते हैं, वहाँ पे जाके हम स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर वैलिडेशन इतनी ज़्यादा लगानी शुरू करते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम इज़ मनी, तो हम बहुत ज़्यादा वैलिडेशन भी नहीं लगाते। अच्छा, एक और स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो होती है जी कि एक टीम होती है, एक टीम नहीं एक दो लोग होते हैं, वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, और वो जहाँ जहाँ पे गड़बड़ होती रहती है ना वो उसको उसी वक्त के साथ साथ उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारी अलग से भी कंपनीज़ आ गई हैं अब जो एनोमलीज़ को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, बॉट्स को डिटेक्ट करती हैं वो, जो जो अगर आपको जो ब्रूट फोर्स वगैरह, ये DDoS अटैक, और ये क्लाउड फ्लेयर बड़ी कंपनी है वो ये काम करती है कि जी आप अपनी वेबसाइट पे क्या करते हैं,
आप अपने सर्वर पे एक लेयर लगा देते हैं क्लाउड फ्लेयर की, वो पेड सर्विस है उनकी। तो क्या होता है कि जितनी भी ट्रैफिक है वो क्लाउड फ्लेयर से गुजर के आती है, उनका जो DNS है उससे गुजर के आती है, और उस DNS लेवल पे वो बहुत सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई IP ऐसी है जो ब्लैक लिस्टेड है, जो दूसरी वेबसाइट पे जाके कोई कांड कर चुकी है या इस तरह की चीज़ें, कोई जाहिर है बहुत सारी वेबसाइट ने वो लगाया हुआ है क्लाउड फ्लेयर वाला, तो क्लाउड फ्लेयर किसी दूसरी वेबसाइट पे लगा हुआ था, वहाँ पे कोई गड़बड़ उसने कर दिया अगर और वो रिपोर्ट हो गया तो वो उसको रोक देता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो रोक देता है, जो आपका वाइट और ग्रे और ब्लैक ट्रैफिक को भी अलग कर लेता है वो, उस पर भी बहुत सारे फ्लैग्स देता है। ठीक है, तो जो फ्लैश ट्रैफिक होती है इंटरनेट में, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि जो फ्लैश ट्रैफिक होती है ना उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे क्रिसमस का टाइम है, अमेज़ॉन के स्टोर पे लाखों की तादाद में एडिशनल यूज़र आ जाते हैं। अब वो एडिशनल यूज़र क्या रियल यूज़र है या वो कोई अटैक कर रहा है? क्योंकि अटैक जब भी करता है कोई तो डिफरेंट डिफरेंट IP से रिक्वेस्ट आ रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से आ रही होती है, तरीके मौजूद हैं उसको रोटेट कर करके ना एक ही को, और वो भेज रहे होते हैं। तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि जी ये एकदम जो फ्लैश ट्रैफिक आई है ये क्या कोई अटैक हो गया या ये जेन्युइन यूज़र है। तो अच्छा, ये सारी जो चीज़ें, ये नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जो नेटवर्क इटसेल्फ, जो 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 क्या ऑपरेशंस के बंदे होते हैं एक नेटवर्क में, ये उन लोगों के देखने की चीज़ है। एज अ डेवलपर हम इन चीज़ों में नहीं जाते, ठीक है, इसके लिए अलग लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ये दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सर्वर की बात निकली तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा जी, सर्च इनपुट, सर्च इनपुट में क्या होता है जी, होता ये भी टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है एक छोटा सा क्रॉस का बटन आ रहा होता है बना हुआ, और अगर मैं टाइप करते करते मैं एस्केप दबाता हूँ तो वो खाली हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक छोटे छोटे इसके अंदर ये आप समझ लें एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जी टेक्स्ट इनपुट में मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ टाइप करते करते, तो कुछ भी नहीं होता इसको। लेकिन सर्च इनपुट में क्या होता है, आप क्लिक करते हैं ना और एस्केप करते हैं तो वो खाली हो जाता है। इसको आप लगा कर देखिएगा, बहुत सिंपल सा कोड है, जस्ट इसकी टाइप आपने कर देनी है सर्च और ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में क्या होता है कि जी जब भी आप सर्च की फील्ड में कोई बात लिखते हैं, और मैं आपको बल्कि यहाँ पे ये लगा के दिखा देता हूँ, सर्च इनपुट है रिक्वायर्ड, इस पे से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, ये सर्च इनपुट आ गया। देखिए, इस पे छोटा सा क्रॉस पहले से बना हुआ आ रहा है, और मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा ये खाली हो जाएगा। तो ये इसका एक एक्सपीरियंस है छोटा सा, है ये टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, इंटरनली ये है टेक्स्ट इनपुट, जब इसका मुझे डेटा मिलेगा कि बंदे ने क्या लिखा है तो वो एज अ टेक्स्ट मुझे मिलेगा, ईमेल का भी टेक्स्ट मिलेगा, पासवर्ड का भी टेक्स्ट मिलेगा, नंबर भी टेक्स्ट के तौर पर मिलता है मुझे। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट इनपुट होते हैं, लेकिन ये जस्ट इसमें फीचर अलग अलग हैं, क्योंकि जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉर्म कंट्रोल, तो इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल्स। कि जी वो पेपर छपा हुआ है, उसमें नाम लिखने का जो बना हुआ है वो डैश लगा हुआ है, लेकिन NIC का जो डब्बे डब्बे बने हुए हैं कि जी इतने डिजिट से ज़्यादा ना लिखो, तो इट इज़ अबाउट कंट्रोल। है उसमें लिख रहा मैं भी, उसमें भी टेक्स्ट ही हूँ, NIC नंबर में भी टेक्स्ट ही है वो, लेकिन जस्ट कंट्रोल्ड वे में लिख रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। अच्छा, तो आपका जो सवाल था कि जी यहाँ पे जब मैं लिख के और एंटर करूँगा सर्च पे तो ये होगा क्या, तो होगा ये कि ये टेक्स्ट उठेगा मेरे सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे डेटाबेस में मिसाल के तौर पे ये रोल नंबर लिखा मैंने, यहाँ रोल नंबर लिखा और मैंने सर्च का बटन दबाया, तो ये यहाँ से ये रोल नंबर उठ के सर्वर पे जाएगा, मेरे सर्वर में डेटाबेस में सर्च होगा कि जी इस रोल नंबर के अगेंस्ट क्या कोई यूज़र मौजूद है, क्या कोई स्टूडेंट मौजूद है, वो उठा के मे बी वो ला के मैं यहाँ दिखा दूँ मे बी। ठीक है, तो इस तरह का एक टिपिकल सिनेरियो हो सकता है सर्च का। गूगल सर्च के केस में हम बात करें तो उसमें भी ये होता है, सर्च हम लिखते हैं उठता है वो सर्वर पे जाता है, उन्होंने क्रॉलर ने पहले ही इंडेक्सेस की हुई होते हैं, इंडेक्सिंग बनाई हुई होती है सारी, तो उस सर्च टर्म को उस इंडेक्स पे जाके रखता है वो, और वो वाला रिजल्ट वहाँ से ना उठा के ले आता है, इस तरह का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम फेसबुक पे जाके लिखते हैं, किसी बंदे का नाम लिखते हैं, या हम व्हाट्सएप के सर्च के ऑप्शन में जाके हम कोई मैसेज का कोई पार्ट लिखते हैं कि जी मिसाल के तौर पर मैंने किसी को कोई मैसेज किया था, उसमें मैंने पिकनिक लिखा था, कोई पिकनिक का प्लान हो रहा था,
या मिसाल के तौर पे किसी, आमतौर पे मेरे साथ अक्सर होता है कि जी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, उसने कोई बात की होती है, फिर मैं भूल जाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने मुझे मर्न स्टैक के जॉब का मिसाल के तौर पे बोला कि भाई ये ना मुझे मर्न स्टैक का कोई बंदा चाहिए। अब वो एक हफ़्ते बाद किसी कोई बंदा मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा यार एक बंदा तो आया था मेरे पास, वो कह रहा था लड़का चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे याद है मैंने मर्न लिखा है मैसेज के दरमियान में, मैं व्हाट्सएप पर जाके सर्च के ऑप्शन पर जाके मर्न लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो जितने भी मैसेजेस जिसमें मर्न का वर्ड इंक्लूड है वो सारे मैसेज मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। क्यों, व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है वो आपके फ़ोन में ही होता है, व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है वो आपके फ़ोन में ही होता है, जो वो क्लेम करते हैं और जो होता भी है। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करते हैं आपके फ़ोन में ही मौजूद डेटाबेस में क्वेरी लगती है कि जी वो तमाम मैसेज निकाल के लाओ जिसमें ये वर्ड इंक्लूडेड है, और वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये डेटाबेस से ताल्लुक़ होता है सर्च का। अच्छा जी, ये चैप्टर 8 कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप्स हैं हमारे पास। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम इसको जस्ट ब्रीफली गो थ्रू करते हैं या इसको नेक्स्ट क्लास में किया जाए, हमारे पास अभी है तो वैसे ही ऐसा आधा घंटा है हमारे पास, इसको नेक्स्ट में कर लें। चलें जी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में करते हैं, लेकिन अभी आप लोगों की छुट्टी नहीं है, अभी आप लोगों ने ये जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों से मैंने कहा था कि एक साइनअप का फॉर्म आप लोगों ने बना के लाना है, जितना पढ़ लिया था लास्ट क्लास तक उतने तक फॉर्म साइनअप का आपने बना के लाना है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो वो उसको बनाएं, और ना सिर्फ उसमें पिछली क्लास वाला फॉर्म कंट्रोल इंक्लूड करें बल्कि आज हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, मिसाल के तौर पर आप एक 4 पेज की वेबसाइट बनाएँ, ठीक है। पहला पेज में साइनअप का फॉर्म, दूसरे पेज में लॉगिन का फॉर्म, तीसरा पेज एक गूगल सर्च का, गूगल सर्च के जैसा एक पेज बना दें जिसमें सर्च का इनपुट आप इंक्लूड कर लें। तो इस तरह आप 3-4 पेजेस की अलग अलग वेबसाइट बना के ना, 3-4 पेजेस अलग अलग बना के एक ही वेबसाइट में, और ये तमाम, अब जैसे मैंने सारे तरह के इनपुट एक ही में इंक्लूड किए ना, तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अब देखें यूज़र नेम ईमेल के बाद ये सर्च कहाँ से आ गया, ये तो यानी ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लगा के दिखाने के लिए ना एग्जांपल, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। यूज़र नेम ईमेल के बाद CNIC फिर भी सही था, ये हो सकता है, ठीक है। तो हमने चीज़ ऐसी बनानी है जो थोड़ी रियलिस्टिक भी हो, जो आम तौर पे होती हो दुनिया में, तो ताकि फिर हम उसको जब वीडियो बना के उसके लिंक्डइन पे पोस्ट करें तो फिर लोग बोलें कि हाँ यार ठीक है, वरना फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये क्या चक्कर है, सर्च या फॉर्म के बीच में कैसे है ना। तो कन्फ्यूज़ ना हो कोई और लोगों को समझ आए कि हाँ यार ये बंदे सही हैं, सेंसेबल बंदे हैं। सेंसेबिलिटी की बात है, वैसे तो कुछ भी कहीं लगा दें, प्रैक्टिस तो किसी भी तरह हो सकती है ना, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो और चीज़ जो हम बनाए वो थोड़ी सी सेंसेबल भी हो, ताकि लोगों को थोड़ा सा वो इम्प्रेस भी करे, आपके लिए बेटर है, सही है, लोग जाने कि हाँ यार ये बंदा पढ़ाई भी कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और सेंसेबल भी है, ठीक है जी। चलो